गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम एक रिचार्जेबल टेबल फैन बनाएंगे 130 लंबाई की डीसी मोटर से। इसको कैसे बनाते हैं मैं सुस लेके एंड तक वीडियो पूरी वॉच करना। चैनल पे रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ना लाइक ना शेयर करना तो बनाना शेयर करते। तो गाइस को बनाने के लिए हम ले रहे हैं पहले पीवीसी शीट। आपको पता होगा पीवीसी शीट चाहिए होगी। तो गाइस मैं आपको सेंटीमीटर भी बता दूंगा कितने सेंटीमीटर की मैंने ली। ओके गाइस ये पहले ये देखते हैं। ऐसा हमने ना इसको लिया है 7 सेंटीमीटर। ओके ये 7 सेंटीमीटर इधर से ये है ना 5.5 सेंटीमीटर का। ओके गाइस 5.5 सेंटीमीटर का। ओके आपको ऐसा दो ना पीसेस कट कर लेने इसके जैसे साइज के। ओके दो पीस ये कट कर लेने हैं ये साइड में लगाने के लिए ऐसे। जिसके कितने सेंटीमीटर है मैं बताता हूँ। ये जो 7 सेंटीमीटर है और ये जो 2 सेंटीमीटर है ये दोनों ये 2 सेंटीमीटर के इधर है और 7 सेंटीमीटर के दोनों की मैंने 2 स्ट्रिप कट कर ली। ओके और यहाँ पे इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ना यू लिया है ये जो 5.5 सेंटीमीटर का इधर से है और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का है। इससे भी मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं सेंटीमीटर। ओके तो कुछ इस प्रकार से आपको पीस कर लेना है कट। इसको बॉक्स बनाने के लिए काम आएगा। और फिर आपको जरूरत की एक बैटरी की इसकी साइज की आपको बनाना पड़ेगा। ये मेरी साइज की बैटरी के बता रहा हूँ। ओके गाइस आपको ना ऐसी वाली लेनी है बैटरी छोटी सी और नहीं ज़्यादा। इसका जगह बहुत ज़्यादा ना रहेगी होगी एक्स्ट्रा। इसके अंदर ना अपन स्विच विच लगा लेंगे। ओके पहले यहाँ पे जल्दी से एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं बन के। ओके जल्दी से बॉक्स बना लेते हैं। आपके सामने मैंने कुछ इस प्रकार से आपको सामने बॉक्स बना के रेडी कर चुका हूँ। अब क्या करते हैं इसमें ऐसे आ जाएगी बैटरी। यहाँ पे ना पहले स्विच का कटआउट करते हैं। गाइस स्लाइड स्विच लेने हैं अपन ऐसे कुछ इस प्रकार से। ये स्लाइड स्विच है मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये ना स्लाइड स्विच। ओके इसको ना ऐसे दोनों तरफ एक तरफ से चलता है। ओके तो कुछ इस प्रकार से आपको ये ले लेना है। गाइस जल्दी से यहाँ पे ना कटआउट कर लेते हैं। जल्दी से यहाँ पे स्विच को कटआउट कर लेते हैं जल्दी से मार्किंग करके यहाँ पे कट कर देंगे। तो गाइस जैसे मैंने स्विच का कटआउट तो कर लिया इसके अंदर भी लगा लिया। कुछ कोई बात नहीं है तो चुपका देंगे। वैसे ही ना अंदर लगानी था। ओके चेयर टाइटली आ चुका है जो मैंने इसलिए ये लिया क्योंकि ना वो बटन लगाते दूसरा तो पुश एंड बटन तो वो ऐसे दबाते वो अंदर चला जाता है। बहुत बार मेरे साथ में हुआ है ऐसा गाइस। अब देखते हो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ बैटरी आ जाएगी और यहाँ पे अपन कनेक्शन अच्छे से कर सकेंगे। ओके तो पहले ये तो हो चुका है बॉक्स तो बन के रेडी हो चुका है। अब मैं बताता हूँ हम मोटर कौन सी लेंगे। हम लेंगे जानी मानी 130 लंबाई डीसी मोटर। ये आपको टॉयस में निकल के रेडी हो जाएगी। टॉयस में मिल सकती है या फिर आपको टॉयस में ना मिले तो आप 10 रुपये में मार्केट से जाके खरीद सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से हमें ले रहे हैं टॉय मोटर। अब आपको ऐसी प्रॉपर लेते हो तो इसको हम पंगुड़ी कहते हो आप इसको जिसके ना 2 लेग को कट कर लेना है वो फिर इसको ऐसे घुमा लेना है। मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसा बनाया है। इसका कलर दूसरा है पर गाइस मैंने यहाँ से कट कर लिया था। मैं दिखाता हूँ नॉर्मल वाली देखते हो यहाँ पे दोनों कट कर लिए थे फिर ऐसे बन के रेडी हो गई थी। गाइस इसमें और इसमें क्या अंतर बताऊँ तो रात दिन का अंतर है इसमें। इसमें क्या होगा कि ना इसमें थोड़ी बहुत ना गर्म हवा आती है और ना बहुत ज़्यादा दूर तक भी हवा नहीं फेंकता है। ओके इसलिए मैं इसको ना 2 पीस को कट करके ऐसे कर लिया है और फिर मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया है। ओके घुमा दिया है तो इससे ना बहुत ज़्यादा हवा आएगी और ठंडी ठंडी आएगी। ओके इसलिए मैंने खुद को ट्राई करके फिर मैंने इसको ऐसा बनाया है। ओके गाइस तो कुछ इस प्रकार से आपको ये बना लेना है। ओके और आप देख रहे हो कि बैटरी को लगा तो लिए अब इसको चार्जिंग कैसे करेंगे। तो चार्जिंग करने के लिए हम चार्जिंग मॉड्यूल का यूज लेंगे टाइप सी। आप ले लेना टाइप सी या ना आप फीमेल कनेक्टर भी लगा सकते हो इसके अंदर। तो गाइस इसका नाम चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे। ओके जल्दी यहाँ पे छेद कर दीजिए मार्किंग करके। ओके देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। ये फिर लगा देंगे। अब क्या करते हैं पहले इसको चिपकाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे ना ऐसे चिपक जाएगा ये देखो जल्दी यहाँ पे चिपका लेते हैं। ओके फिर यहाँ पे कनेक्शन जल्दी जल्दी से। तो गाइस जैसे जैसे मैंने इसमें अच्छे से चिपका लिया है आपके सामने ही जैसे चिपका लिया है। अब क्या करते हैं 2 वायर यहाँ से निकालते हैं जिससे ना अपन बैटरी में कनेक्ट कर सके। ओके जल्दी से हम 2 वायर निकाल लेते हैं। इससे बैटरी और प्लस बैटरी का मैनेज लिखा होता है यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करते हैं दोनों वायर को यहाँ पे टच मिला लेंगे। ओके इसको रेड को तो अपन यहाँ पे स्विच पे मिलाएंगे क्योंकि अपने बैटरी भी ना यहाँ पे लगेगा एक वायर बैटरी का प्लस यहाँ पे लगेगा वैसे स्विच पे इसको तो हम मिला लेंगे वैसे। और माइनस को पहले यहाँ पे मिला लेते जल्दी से। ओके हम 2 वायर लेंगे एक येलो रह रहा हूँ एक रेड रह रहा हूँ। ओके रेड। ओके तो गाइस पहले ना ये येलो को छिलके यहाँ पे माइनस पे लगा लेते हैं जल्दी से। पहले ना इसलिए क्योंकि ना
माइनस का काम तो खत्म हुआ, जल्दी से यहाँ पे लगा लेते हैं माइनस को, शोल्डिंग भी कर देंगे उसके ऊपर। तो देख सकते गाइस मैंने माइनस पे शोल्डिंग कर ली। अब यहाँ क्या करते हैं कि ना बैटरी का प्लस और बैटरी प्लस और ना चार्जिंग मॉड्यूल प्लस, इसको दोनों को साथ में मिला लेंगे और फिर इसको यहाँ पे लगा लेंगे जल्दी स्विच पे। ओके ओ गाइस अपन पहले बैटरी को भी लगा लेंगे जिससे ना अपने स्विच के निरीक्षण करने में बहुत आसान हो सके। तो गाइस जैसे मैंने आपको स्टेप स्टेप समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे दो एक वायर तो लग गया, एक वायर यहाँ पे लगा देते फिर ये मोटर में जाएगा, कोई काम नहीं हो फिर इसके ऊपर पीस लगाए और फिर मोटर को रोकने का देखते हैं पहले। ओके फिर देखेंगे, पहले यहाँ पे लगा लेते हैं वायर। ओके तो गाइस ये देख निकल चुके हैं प्लस और माइनस आपके सामने। ओके अब क्या करते हैं इसको ना यहाँ पे अच्छे से लगा लेंगे जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो उसके, फिर ये पीस को कट करके यहाँ पे ना बीच में मार्किंग लगा के यहाँ पे इसको छेद करके दो वायर को निकाल लेंगे जल्दी से। तो गाइस देख सकते हो अभी लास्ट बार इसको, क्योंकि ना ये भी ना अंदर जा रहा है मोटर, इसको तो हमने लगा लिया है। अब क्या करते हैं मोटर को रोकने के लिए हमने कुछ स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, मैंने बताता हूँ आपको मैं एक एक। तो देख सकते हो गाइस पीवी सीट से मैंने स्ट्रिप कट कर लिए हैं, ये जो ना 7 सेंटीमीटर की है, 2 AC हमने कट कर लिए, ये 2 सेंटीमीटर की है, ये जो 2 AC है जो 6 सेंटीमीटर की है, ये ऐसे लगेगी और ये ऐसे लगेगी। ओके ऐसे लगेगी। ओके जिस प्रकार से चलिए इसको पहले लगा देते हैं फिर इसको मोटर देखते हैं मोटर को कैसे लगाएंगे। फिर मोटर को यहाँ पे चले चिपका लेते हैं जल्दी से। ओके इधर से जिस प्रकार से यहाँ पे लगा लिया है, दो आए हैं यहाँ पे लगा लेते जल्दी से, फिर अपने कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस लगाएंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे जहाँ तरफ हवा आए जहाँ पर लगाना है आपके। ओके जल्दी से यहाँ पे लगा लेते हैं फिर इसको भी यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे भी ये लगा के फिर नीचे भी लगाएंगे फिर बनके रेडी हो जाएगा। ओके जल्दी से यहाँ पे लगा लेते हैं वायर। तो गाइस ऐसे कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगा लिया है वायर भी, और अब क्या करते हैं इसको यहाँ पे लगाएंगे स्टैंड के यहाँ से खड़े कर देंगे, पहले यहाँ पे खड़ा कर देते हैं इसको इससे, फिर इसको दोनों को लगा के फिर मिलता हूँ मैं आपको, जल्दी से यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके फिर बनके रेडी हो जाएगा अपना। ओके कुल ये टेबल फैन गाइस आपके सामने बनके रेडी हो चुका है, आपके सामने ही एक टेबल फैन, अभी इसको चला के देखते हैं गाइस। ये ना बहुत डरावनी आवाज है क्योंकि गाइस ना ये मोटर थोड़ी जाम हो रही है। ओके अब यहाँ पे इसको पॉपुलर को लगाते हैं फैन को, अब देखना है इसकी हवा। ओ बॉय ठंडी ठंडी हवा आ रही है, देखिए मैं आपको यहाँ पे देखते हुए कुछ इस प्रकार से ना टुकड़े हैं वायर के, मैं आपको ना वो पीस कट करके बताते हैं ना वैसा लगाऊंगा दिखाता हूँ। टेस्टिंग आपको कराने के लिए मैंने ऐसे कुछ इस प्रकार वायर कट कर लिए हैं, अब लगाते हैं। देखो गाइस देखो क्या तुम ये रखा है कुछ इस प्रकार की, ये पावरफुल है। तो ये देखना गाइस 1, 2 एंड 3 बहुत पावरफुल है इसलिए बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। देखो गाइस यहाँ पे रखा और देखो कुछ इस प्रकार ये पावरफुल वाट ये है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है गाइस, बहुत मज़ा आ गया मेरे को तो, क्योंकि आपके लिए मैं ना फैन को बंद करके वीडियो बनाता हूँ, इसलिए लाइक कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इसलिए मेरे को बहुत अच्छी लगी ठंडी ठंडी हवा गाइस। मैं यहाँ तक ना हवा आती है इसकी देख सकते यहाँ तक इसके ना एक एक फीट एक 5-10 इंच तक ना आपको हवा आ जाएगी इसकी। ओके आपको कुछ इस प्रकार से है, अब इसको चार्जिंग करने का देखते हैं। टाइप सी आपको चार्जिंग केबल लेनी होगी तो इसमें यहाँ पे लगा देनी होगी। ओके टाइप सी और ये चार्ज हो जाएगी अच्छे से। अब भी ना वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट करूँगी जिस बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपने कहा था टेबल फैन बनाओ इसलिए मैं यहाँ टेबल फैन बना दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।